रातों के तो बिल्कुल 12 बज चुके हैं। टीवी पे देखती हूँ, शायद मैनिक्योर के लिए कुछ मिल जाए। फेयर एंड लवली, एक हफ्ते में लाया आपके चेहरे पे ऐसा निकाल। ये फालतू की लिप बाम, इससे टिको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, टिको टर्मरिक फेस की क्रीम। और कुछ मैनिक्योर हाथों के लिए तो कुछ बताओ। आपको भी मैनिक्योर करवाना है तो यही सही मौका है। ऑर्डर करें अभी और हमारी मशीन पाए सिर्फ 5,999 जिसमें आप अपना हाथ डालेंगे और निकलेगा मैनिक्योर वाला हाथ। क्यों था करिए, क्या हुआ? यार देखिए, फेस के लिए तो 50 एड्स आते हैं, हाथों के लिए क्या करूँ? अभी मैनिक्योर कराने जाऊंगी तो पार्लर वाली 2-3 हजार रूपए ले लेगी। पर तुम्हारा क्या है, तुम तो इतना बढ़िया मैनिक्योर करा के अपने हाथों को सुंदर बना के घूम रही हो, है ना? पार्लर पे नहीं, घर पे किया है मैंने। मैं नहीं मानती। मत मान, फिर घूम ऐसे गंदे से हाथ लेके। अच्छा, बता बता। 1 लाख लाइक दिलवा पहले। दिए? मैंने बोल दिया है मेरी इज्जत का सवाल है, 1 लाख लाइक दे देना। हाँ अब बता तेरे नाजुक सुंदर कोमल हाथों का राज, बता बता। चल सबसे पहले तो अपनी एल्बो पे मलाई लगा ले, पूरे हाथ साफ और एल्बो काली अच्छी लगेगी। नहीं, तभी मलाई लगाने से क्या होगा, तेरी पूरी डेड स्किन फूल जाएगी और बहुत आसानी से निकल जाएगी। मैनिक्योर अगर करना है तो सबसे पहले तो अपनी नेल पेंट अच्छे से रिमूव करो। अब आपने कोई भी ज्वेलरी पहन रखी हो जैसे रिंग वगैरह, उसे हटा दो ताकि उसके नीचे की स्किन भी अच्छे से साफ हो जाए। जैसे मेरी देख रहे हो ना, ये भी साफ हो जाएगी। सबसे पहले हम करेंगे सोकिंग, और इसके लिए आपको लेना है ल्यूक वार्म वाटर, मतलब उतना गर्म जितना आप सह सको। ऐड करो इसमें कोई भी शैम्पू, अच्छे से मिक्स कर दो ताकि बबल हो जाए, और थोड़े से लेमन के स्लाइस डाल दो। अब इसमें हाथ को एक एक करके डालो और 3-3 मिनट तक रखो, और चाहो तो लेमन स्लाइस से इसको स्क्रब भी कर सकते हो। सोक करने से आपके हाथों और नेल्स की डेड स्किन फूल जाएगी, एंड जब एक्सफोलिएट करेंगे तो इजीली रिमूव हो जाएगी। और विटामिन सी के फायदे तो हम सभी जानते हैं, डिस्कलरेशन पिगमेंटेशन की सारी प्रॉब्लम दूर करता है वो। टॉवल से इसे पैट ड्राई किया, और अब बारी आती है हमारे क्यूटिकल और नेल्स की सफाई की। पहले स्टार्ट करते हैं क्यूटिकल से, जिसे हमें करना है पुश बैक। क्यूटिकल पुशर से अपने क्यूटिकल्स को धीमे धीमे इस तरह पुश करना है। अब आप सोचेंगे कि क्यूटिकल को पुश क्यों करना है, इससे क्या होगा, हमारे जो नेल्स हैं वो ज्यादा बड़े और अट्रैक्टिव दिखेंगे। अब हमने पुश बैक किया तो जो आपके अनइवन क्यूटिकल्स हैं वो उभर के आ जाएंगे, तो उनको हमें करना है ट्रिम ताकि हमारे नेल्स में बिल्कुल नीट लुक आए। अब फाइलिंग का क्या कहना, फाइलिंग तो हर कोई करता है, चाहे मैनिक्योर करे या ना करे। बस अब मैं भी यहाँ पे अपने नेल्स को फाइल करूंगी जिससे मेरे नेल्स बहुत अच्छे शेप में आ जाएं। नेल्स और क्यूटिकल्स की फिनिशिंग के बाद अब स्क्रब करेंगे। स्क्रब के लिए आपको लेना है कोकोनट ऑयल और 2 चम्मच कॉफी पाउडर। इन दोनों को मिक्स कर दो, और कोकोनट ऑयल आपको उतने डालना है कि आपकी कॉफी हल्की सी मॉइस्ट हो, क्योंकि अगर वो ज्यादा गीली हो गई तो वो पिघलने लग जाएगी और कोई काम की नहीं रहेगी। अब इससे हम करेंगे स्क्रब। कॉफी पाउडर में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है, और वहीं कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को स्मूथ बना देता है। तो यही दो चीजें तो हमें मैनिक्योर में चाहिए होती हैं। जेंटली स्क्रब करना, रगड़ना मत, और अपनी एल्बो तो बिल्कुल भी मत भूलना। बस इसे पानी से धो लो और पैट ड्राई कर लो। मॉइस्चराइजर भी हम अपना खुद का बनाएंगे, बॉडी लोशन और एलोवेरा को बराबर बराबर क्वांटिटी में मिक्स करके, और अब इसे मिक्स करके अपनी बॉडी पे मसाज करें। नेल्स और क्यूटिकल्स पे तो स्पेशली मसाज करना चाहिए आपको, क्योंकि वो ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ सबसे ज्यादा डेड सेल और हार्डनेस होती है। इसमें एलोवेरा जेल हमने इसलिए डाला है जिससे आपको मसाज करने में भी इजी होगा, एट द सेम टाइम आपकी स्किन हाइड्रेट भी बनी रहेगी। और मसाज आपको तब तक करनी है जब तक ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब ना हो जाए, जैसी मेरी हो गई। हाथ तो आपके चमक गए हैं, अब बस आपको नेल्स पे करना है बेस कोटिंग। मुझे सब पता है, बेस कोटिंग लगाते ना आप लोग, अगर नहीं लगाओगे ना तो ये होता है। पहला तो नेल पेंट का जो स्टेन होता है वो आपके नेल्स पे लग जाएगा, और दूसरा जब आप नेल पेंट रिमूव करोगे ना तो आपके नेल्स भी रफ हो जाएंगे और इजीली ब्रेक होंगे। तो और बस अपनी पसंद की कोई सी भी नेल पेंट लगा लेती हूँ और हो जाते हैं मेरे हाथ सुंदर और मैनिक्योर रेडी। लगता है ना पार्लर से करा के आई हूँ। देखा, इतना आसान था, तू भी करना और अपने गंदे हाथों का हुलिया बदल के मेरी नाक कटवाती घूमती है। मैं भी करूंगी। मैनिक्योर तो तूने सीख लिया, अब अगर मुझे लाइक नहीं आया ना तो शोले का ठाकुर बना दूंगी मैं तुझे। 1 लाख लाइक करेगी नहीं भाई, जल्दी कर दे, मेरे हाथ गायब कर देगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हम दोनों की ना ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस को देखते रहे। और कट रहा है।